हेलो फ्रेंड, नाउ इस चैप्टर में अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज देखी। कुछ रिन्यूएबल थी, कुछ नॉन रिन्यूएबल थी। फॉर एग्जांपल हमने विंड एनर्जी को देखा, फॉर एग्जांपल हमने हाइडल एनर्जी को देखा। लेकिन इन सभी एनर्जी के पीछे कौन सी एनर्जी काम करती है, इसके बारे में हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था। हमने कहा था कि विंड एनर्जी इसीलिए होती है क्योंकि सोलर एनर्जी है। हमने कहा था कि हाइडल एनर्जी इसीलिए होती है क्योंकि सोलर एनर्जी है। तो नाउ लेट अस डिस्कस द सोलर एनर्जी। अब हम सोलर एनर्जी को डिस्कस करते हैं, सोलर एनर्जी को समझते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज सोलर एनर्जी? हम कहेंगे सन से आने वाली जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। सो व्हाट इज सोलर एनर्जी? वी विल से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सन। सन से आने वाली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज नोन एज सोलर एनर्जी। अब कुछ खास बात सोलर एनर्जी की कि सोलर एनर्जी होती कैसे है, सोलर एनर्जी सन के पास कहाँ से आई। तो हम कहेंगे कि सन पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हम ये जानते हैं कि अर्थ पे कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। लेकिन क्या ये एलिमेंट सिर्फ अर्थ पे प्रेजेंट है? क्या ये अर्थ के अलावा कहीं प्रेजेंट नहीं है? हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी जगह पे भी, फॉर एग्जाम्पल अर्थ के बाहर यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में और भी तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ये सभी एलिमेंट्स वहां पे भी आपको मिलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि सन को अगर हम स्टडी करें, जिन साइंटिस्ट ने सन को स्टडी किया, समझा, उन्होंने ये कहा कि बेसिकली सन पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का रिएक्शन होता है। कुछ रिएक्शन होता है जिसका हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं क्या रिएक्शन होता है, कैसे होता है। जस्ट हम ये मान लेते हैं कि वहां पे रिएक्शंस होते हैं और उस रिएक्शन से एनर्जी फॉर्म होती है और वह एनर्जी सन रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। सो ये जो रेडिएशन हमें आई है, एनर्जी, ये किस फॉर्म में मिलती है? दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और रेडिएशन में ये रेडिएशन किस चीज की होती है? हीट एंड लाइट की। सन बेसिकली हीट और लाइट एमिट करता है और वह हीट और लाइट जो होती है, उस हीट और लाइट में एनर्जी होती है और वह एनर्जी हम अर्थ पे रिसीव करते हैं। और अर्थ पे एनर्जी कैसे आती है? बाय द रेडिएशन। रेडिएशन होती है और रेडिएशन से एनर्जी आती है। जैसा आपके घर में बल्ब होता है, सो बल्ब भी लाइट एमिट करता है, बल्ब लाइट के साथ हीट भी एमिट करता है। सो हम उस हीट और लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, हमें कैसे दिखता है, हमें कैसे महसूस होता है? सो वी विल से इट इज बाय द रेडिएशन प्रोसेस। रेडिएशन से ऐसा होता है। नाउ अब कुछ खास बात कि सन बेसिकली जो लाइट एमिट कर रहा है वह क्वांटिटी वाइज कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। सो वी विल से सन 4.5 इंटू 10 टू द पावर 23 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में सन 4.5 इंटू 10 टू द पावर 23 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी को रेडिएट करता है और इस एनर्जी की सिर्फ और सिर्फ 0.00000005% एनर्जी इज
इंसिडेंट ऑन अर्थ। इस एनर्जी की सिर्फ इतनी परसेंट एनर्जी ही अर्थ के ऊपर आती है, अर्थ के ऊपर इंसिडेंट होती है। और खास बात कि जो ये एनर्जी अर्थ पे आ रही है, इस एनर्जी का सिर्फ 47% फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड। इस एनर्जी का सिर्फ 47% अर्थ की सरफेस पे आता है और बाकी कहां जाता है? बाकी रेडिएट हो जाता है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आप जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट बैक करती है, उन्हें अर्थ पे आने से प्रिवेंट करती है। तो वह अल्ट्रावायलेट रेस के पास बाकी की एनर्जीज होती हैं और वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इतनी एनर्जी की, सिर्फ इतनी एनर्जी अर्थ तक आई, उसमें से भी इतनी एनर्जी 47% किसका? इस एनर्जी का 47%। सो इस एनर्जी का 47% ही सरफेस तक पहुंच पाता है। सो आप सोचिए कि अगर इतनी 47% जो एनर्जी है, सिर्फ ये भी अर्थ पे आ रही है और हम इसे यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो अगर पूरी एनर्जी आ रही हो तब सोचिए कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। लेकिन अगेन उसके साथ एक हार्मफुल इफेक्ट भी है। अभी अगर हम सन के नीचे खड़े हो जाएं, अगर हम धूप में खड़े हो जाएं, तो हम देखते हैं कि हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है। व्हाई? इट इज ड्यू टू बर्निंग। ठीक है, सन बर्न जिसे बोलते हैं, तो सन बर्न हो जाता है। तो सन बर्न जो ये चीज हुई है, सिर्फ 47% एनर्जी पहुंचने से ही ये सन बर्न हो गया। तो अगर पूरी एनर्जी पहुंचेगी तो सोचिए क्या हाल होगा। तो इसीलिए इस तरह से नेचर ने बनाया है चीजों को कि सिर्फ इतनी ही एनर्जी अर्थ तक पहुंच पाए। खास बात कि अर्थ पे जो एनर्जी पहुंच रही है, आप ये जानते हैं कि वह एनर्जी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वह एनर्जी पूरी तरह से इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जैसे कि इक्वेटर के आसपास की जो कंट्रीज हैं, इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है, वहां पे एनर्जी ज्यादा आती है क्योंकि वहां पे डायरेक्टली लाइट आती है, वहां पे डायरेक्टली सनरेज आती है। और वहीं अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसी चीजों की बात करें, तो वहां पे 6-6 महीने तक तो सूरज ही नहीं दिखता, 6 मंथ्स तक कोई सन नहीं दिखता, सन की कोई एनर्जी वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो हम कहते हैं कि जो ये एनर्जी है, दिस एनर्जी ऑफ सन इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर आने वाली एनर्जी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ एनर्जी आ रही है। अब ये जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी नहीं है, ये कितनी है? ये सिर्फ 47% एनर्जी आई है। उस 47 में से भी वो एनर्जी बिखर गई, कुछ जगह पे ज्यादा पहुंची, कुछ जगह पे कम पहुंची। तो कुछ लोग सोलर एनर्जी को ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं और कुछ लोग यूज ही नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें काम आती हैं, दोनों चीजें रोल प्ले करती हैं। नाउ अब ये जो सन की एनर्जी एक सेकंड में निकली है, एक सेकंड में दिस एनर्जी 4.5 × 10^23 किलो जूल्स पर सेकेंड, हर सेकेंड में इतनी एनर्जी सन रेडिएट कर रहा है, दूसरे सेकेंड में इतनी वापस करेगा। तो ये सोचिए कि अगर बिलियंस ऑफ ईयर से सन एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो कितनी ज्यादा एनर्जी अभी तक वो ऑलरेडी रेडिएट कर चुका है और कितनी सारी वो करने वाला है। खास बात ये है कि जो एनर्जी सन एक सेकेंड में रेडिएट करता है, मतलब इतनी, सो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड by sun is sufficient to convert all water into steam in 2 seconds। खास बात यह है कि जो ये एनर्जी सन ने रेडिएट करी,
दिस एनर्जी, दिस पर सेकेंड एनर्जी इज सफिशियंट टू कन्वर्ट ऑल द वॉटर ऑन अर्थ. जितना पानी अर्थ पे है, अगर ये पूरी एनर्जी अर्थ पे आ जाए तो केवल 2 सेकेंड में पूरे अर्थ का पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. ये इसकी खास बात है. तो आप इस चीज से पता लगा सकते हैं कि अर्थ में कितना ज्यादा पानी है. ऑलमोस्ट 71% अर्थ इज वाटर. तो उतना पानी होने के बावजूद भी 1 सेकेंड में एनर्जी जो सन दे रहा है उससे पूरा पानी कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में. सो दिस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. उस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी से सिर्फ अगर इतना परसेंट भी निकाला जाए, सो दिस इज ऑल्सो अ ह्यूज अमाउंट. ये भी कोई छोटा अमाउंट नहीं होगा, इट्स अ बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है, मिलियंस ऑफ किलो जूल्स ऑफ एनर्जी. और उसका अगर मैं 47% निकालूं, देन ऑल्सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, वो भी काफी बड़ा अमाउंट होगा. तो इसीलिए अगर इसी फैक्ट को और आगे बढ़ाएं, तो हमने ये पता लगाया कि इफ ओनली 0.1% ऑफ सन्स एनर्जी फॉल ऑन अर्थ, देन ऑल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स गेट फुलफिल्ड. हमने इसी डेटा को यूज करते हुए एक यह डेटा पता लगाया कि अगर सन की हमें सिर्फ 0.1% एनर्जी ही मिल जाए, जो एनर्जी सन ने रेडिएट करी उसकी सिर्फ 0.1% ही मिल जाए पूरी अर्थ पे, तो हमारी सारी एनर्जी नीड्स फुलफिल हो सकती है. हमें कोई फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, हमें कोई विंड एनर्जी, हमें कोई हाइडल एनर्जी, हमें कोई ऑयल, नेचुरल गैस या वुड या बर्निंग कोल के लिए, कोल बर्निंग, किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी का सोर्स जरूरत नहीं होगा अगर सिर्फ इतनी एनर्जी अर्थ तक पहुंच जाए. बट आप जानते हैं इतनी एनर्जी अर्थ तक नहीं पहुंचती, इसीलिए हमें दूसरे फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे एनर्जी के सोर्सेस को यूज करना पड़ता है. लेकिन फिर भी हम इस एनर्जी को हार्नेस करना चाहते हैं, हम इस एनर्जी को यूज करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं. सो फॉर दैट हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जो एनर्जी सन से आ रही है उसे किस तरह से यूज करें, तभी हम इसे यूज कर पाएंगे. तो यूज करने के लिए सबसे पहली चीज देखी गई कि एनर्जी तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं, एनर्जी तो रैंडमली है, इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल्स पे बिल्कुल ही कम है. तो फिर हम कैसे यूज करें? तो हमने एक टर्म बनाया जिसके थ्रू हम सन की एनर्जी को समझ सकते हैं, एंड दैट टर्म इज सोलर कॉन्स्टेंट. सोलर कॉन्स्टेंट मीन इट इज डिफाइंड एज energy of sun falling on 1 meter square area in 1 second. Now, इस नाम को हम समझते हैं. What is solar constant? Solar constant की मैंने definition लिखी कि it is defined as energy of sun falling on 1 meter square एरिया इन 1 सेकेंड. मतलब अगर मैं अर्थ पे एक 1 meter by 1 meter का एक ब्लॉक बनाता हूं, एक ऐसा स्क्वायर बना दिया मैंने जमीन पे, उस स्क्वायर पे 1 सेकेंड में जो एनर्जी गिरेगी, 1 सेकेंड में जो एनर्जी गिरेगी उसे हम कहेंगे सोलर कॉन्स्टेंट. दैट टर्म इज डिफाइंड एज सोलर कॉन्स्टेंट. एंड सोलर कॉन्स्टेंट का वैल्यू होता है 4.5 किलो जूल्स. वॉट एग्जैक्टली मीन्ड बाय 4.5? 4.5 का मतलब कि अर्थ पे 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी गिरेगी, इस एरिया पे 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी गिरेगी. 2 सेकेंड हो जाएंगे तो ये एनर्जी डबल हो जाएगी, 3 सेकेंड में 3 गुना हो जाएगी, 4 सेकेंड में 4 गुना. तो इसका मतलब इस एरिया पे हमने एनर्जी को निकाला कि एक
इतना एरिया लेंगे तो उस पर एनर्जी कितनी गिरने वाली है। अब ये सोचिए अगर मैं एरिया को डबल कर दूं, इतना एरिया बढ़ा दूं, अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ाने से क्या होगा, एरिया बढ़ाने से इस एरिया पे भी 4.5 किलो जूल गिर रही है, इस एरिया पे भी 4.5 किलो जूल गिर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा लॉजिक ये हुआ कि अगर मुझे सन की एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है तो पहली चीज मुझे बड़े एरिया में उसे कलेक्ट करना होगा, दूसरी चीज मुझे ज्यादा समय तक उसे कलेक्ट करना होगा। वाई? बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि एनर्जी एक बार आई और गिर गई और खत्म, ये कॉन्स्टेंटली गिर रही है, तो जितना समय तक आप इसे यूज करते रहेंगे उतने समय तक एनर्जी इसके ऊपर गिरती रहेगी। सो टू थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर यूजिंग द सोलर एनर्जी, दैट यू नीड टू यूज अ लार्ज एरिया, यू नीड टू कलेक्ट द एनर्जी इन अ लार्ज एरिया, एंड यू नीड टू कलेक्ट दिस एनर्जी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको लंबे समय तक इसे हार्नेस करना है, इसे लंबे समय तक कलेक्ट करना है। ओके, सो दिस इज द सोलर कॉन्स्टेंट एंड दिस इज अबाउट सोलर एनर्जी, यू कैन नोट दिस। सो सोलर एनर्जी को हमने देखा, सोलर कॉन्स्टेंट टर्म हमें क्या बताता है कि एक स्क्वायर मीटर एरिया में एक सेकेंड में 1.4 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी फॉल होती है। नाउ अगर दो सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 मीटर स्क्वायर एरिया ले लूंगा तो 1.4 की डबल 2.8 किलो जूल ऑफ एनर्जी फॉल होगी, इस तरह से ट्रिपल होगा, देन 4 टाइम्स, देन 5 टाइम्स। सो हमने ये देखा कि ज्यादा एरिया में अगर आप एनर्जी को कलेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से यूज होगी, ज्यादा लंबे समय तक अगर आप उसे कलेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से यूज होगी। तो इसीलिए इस सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए हमने बनाए सोलर एनर्जी डिवाइसेस। सोलर एनर्जी डिवाइसेस, व्हाट एग्जैक्टली आर सोलर एनर्जी डिवाइसेस, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू हार्नेस सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए उन्हें हम कहेंगे सोलर एनर्जी डिवाइसेस। अब देखिए सन से जो रेडिएशन आते हैं, सन से जो सनलाइट आती है, वह सनलाइट में दो चीजें होती है हमने कहा था, उसमें एक तो हीट होती है और दूसरी चीज उसमें लाइट होती है। तो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, इसका मतलब सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कैन बी यूज्ड इन टू वेज। हम सोलर एनर्जी को दो तरह से, दो प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। कैसे? या तो हम उसकी हीट एनर्जी को यूज कर ले, तो फर्स्ट थिंग इज यूजिंग इट्स हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी को यूज करने के लिए हमने दो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिसको आपने कॉमनली बहुत सुना है, दे आर, फर्स्ट वन इज सोलर कुकर एंड सेकेंड वन इज सोलर हीटर। सोलर कुकर एंड सोलर हीटर, वी विल डिस्कस दीज टू टर्म्स कि व्हाट इज सोलर कुकर एंड व्हाट इज सोलर हीटर। बाकी आपने कॉमनली सुना है कि सोलर कुकर यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए और सोलर हीटर यूज किया जाता है पानी गर्म करने के लिए, छत के ऊपर लगे रहते हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गया है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं बहुत महंगी होती जा रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने की वजह से क्या कर रहे हैं, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी बिजली का बिल कम करने का। तो वो कैसे कर सकते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है आपने सुना है गीजर में, जो अपन इलेक्ट्रिक गीजर यूज करते हैं जिसमें पानी गर्म किया जाता है,
वह सबसे ज्यादा एनर्जी लेता है, उसको रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो उस चीज को हटाने के लिए हमने यूज किया सोलर हीटर, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा एम है पानी को गर्म करना। तो पानी को गर्म चाहे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से करें या सोलर एनर्जी से करें, हार्डली मैटर्स, बिकॉज अल्टीमेटली तो पानी गर्म हो रहा है। तो इसीलिए हम सोलर हीटर का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दिस। सो पहला हो गया तरीका यूजिंग इट्स हीट एनर्जी। सेकेंड वे बाय विच यू कैन यूज दिस सोलर एनर्जी इज यूजिंग इट्स लाइट एनर्जी। सनलाइट की, सनरेज की, सोलर एनर्जी की लाइट एनर्जी को अगर आप यूज करें, तो फॉर यूजिंग लाइट एनर्जी हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक डिवाइस बनाया, जिसका नाम होता है सोलर सेल, और उसे हम सोलर फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। सोलर सेल कहेंगे या फिर सोलर फोटोवोल्टाइक सेल कहें, दोनों सेम चीज होती है। अब आप टर्म देख के समझ सकते हैं कि सोलर फोटोवोल्टाइक का क्या मतलब। फोटो मींस लाइट, वोल्टाइक मींस वोल्टेज, तो लाइट से जनरेट किया गया वोल्टेज इज नोन एज फोटोवोल्टाइक। ओके, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दिस सोलर कुकर एंड सोलर हीटर। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सोलर कुकर। वॉट एग्जैक्टली इज सोलर कुकर? सोलर कुकर एक डिवाइस होता है, एक बॉक्स होता है, इस तरह का एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स के ऊपर यहां पे एक कुछ इस तरह से एक प्लेन मिरर लगाया जाता है। क्या करा हमने, हमने सोलर कुकर कैसे बनाया, हमने एक डिवाइस बनाया जो कि खाना को गर्म करने में, खाना पकाने के लिए काम आता है। कैसे बनेगा, आपने एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स लिया, उसके ऊपर ऐसा एक प्लेन मिरर फिट कर दिया। नाउ फिर उसके बाद इस बॉक्स के चारों तरफ आपने यहां पे ऐसी कोटिंग जो करी, ये अंदर वाला बॉक्स है, और इसके बाहर दिस ब्लू कलर ये जो हमने लगाया, दिस इज थर्मोकॉल। हमने इस बॉक्स के चारों तरफ थर्मोकॉल फिट कर दिया। नाउ व्हाई थर्मोकॉल? थर्मोकॉल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, थर्मोकॉल इज अ वेरी गुड इंसुलेटर, एक इंसुलेटर है थर्मोकॉल। व्हाट आर इंसुलेटर? इंसुलेटर वह है जो हीट को फ्लो होने से रोकता है, जिसमें से हीट फ्लो नहीं हो पाती। तो अगर आप ये सोचिए कि मैंने इस बॉक्स के अंदर, इस मेटालिक बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के बाहर इस तरह से थर्मोकॉल फिट कर दिया, तो यहां से हीट बाहर की तरफ फ्लो नहीं हो पाएगी। आप ये जानते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, मेटल्स गुड कंडक्टर कैसे हैं? आपने एक रॉड लिया, उसको गैस के ऊपर रख दिया, ओके, उसको गर्म किया, तो आपको दूर रॉड के नेक्स्ट एंड पे भी आपको हीट फील होती है। तो इसका मतलब हीट वहां से चल के यहां तक आ गई। बिल्कुल यही फिनोमेना है कंडक्टर्स का। इंसुलेटर्स का क्या है? जस्ट इसका उल्टा। मतलब ये जो बॉक्स है, मेटालिक बॉक्स, अगर इसके बाहर मैं थर्मोकॉल नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा? तो यह मेटालिक बॉक्स बहुत जल्दी हीट को रेडिएट कर देगा, बाहर की तरफ रेडिएट कर देगा। लेकिन थर्माकोल लगा के मैंने क्या करा, मैंने इस बॉक्स को पैक कर दिया, चारों तरफ से पैक कर दिया। नाउ इसका मतलब मैंने इस बॉक्स में से निकलने वाली हीट को रोक दिया। अब इसके बाहर हीट नहीं जा सकती। कौन सी हीट? जो भी इस बॉक्स के अंदर हीट होगी वो बाहर नहीं जा सकती। मैंने इस तरह से इसको प्रिवेंशन कर दिया। नाउ उसके बाद हमने यहां पर एक ग्लास की शीट लगा दी, एक ग्लास की शीट लगा दी। ये ग्लास की शीट क्यों लगाई?
यह ग्लास की शीट इसलिए लगाई बिकॉज बिकॉज दिस एरिया, ये जो ऊपर का एरिया है इस बॉक्स का, यह तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यह एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, तो अगर यहां पे कोई हीट होगी तो वो बड़ी आसानी से ऊपर की तरफ उठ जाएगी और एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि यहां पे हीट कम हो जाएगी। लेकिन ये क्या है, सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या है, इट्स लाइक अ यूटेंसिल, एक मेटल के यूटेंसिल की तरह है, जो नॉर्मल आप प्रेशर कुकर यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरह का कुकर है। बस फर्क क्या है, उसमें गैस से आप गर्म करके उसको प्रेशराइज करते हैं फिर उसमें खाना पकता है। यहां पे अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, यहां पे एक बॉक्स के अंदर आप कुछ इस तरह से खाना रखते हैं। दिस इज फूड, आपको इसे पकाना है। तो आपने क्या करा, आपने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के चारों तरफ थर्माकोल लगा दिया, थर्माकोल लगा के इसे धूप में रख दिया। अगर मैं इसे डायरेक्टली धूप में रखूंगा तो क्या होगा, जब आप इसे धूप में रखेंगे, लेट से दिस इज सन, तो सन से आने वाली लाइट रेस कुछ इस तरह से इस फूड पे फॉल होगी, तो सन रेस इसको फूड को गर्म करेगी। लेकिन अभी भी ये प्रॉपर यूज नहीं है, ये सनराइज का, सन एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, सनलाइट का प्रॉपर यूज नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ सन के जो डायरेक्ट एनर्जी सन से आ रही है सिर्फ उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या करा, इसीलिए हमने यहां पे एक ऐसा प्लेन मिरर फिट कर दिया। प्लेन मिरर फिट करने से क्या हुआ, सन की लाइट रेज जो इस तरह से स्ट्राइक करती हैं, वह लाइट रेज स्ट्राइक करके वापस इस तरह से फूड पे आई। तो हमने क्या करा, हमने सन की एनर्जी को ही दो तरफ से यूज किया, एक तो जो डायरेक्टली आ रही है और एक दूसरी जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो ये पूरी एनर्जी मिलके इस फूड के ऊपर आएगी और आसानी से इसे गर्म कर देगी। इस तरह से हम फूड को गर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मेटल का बॉक्स है तो ऑब्वियसली बात है ये हीट को कंडक्ट करेगा, ये ठंडा हो जाएगा। तो थर्माकोल लगा दिया ठंडा होने से बचाने के लिए, अब धीरे धीरे ठंडा होगा, आसानी से ठंडा नहीं होगा। और अब ऊपर से एटमॉस्फेयर ओपन है, ओके, ऊपर से ओपन है तो हीट निकल सकती है, इसीलिए हमने एक ग्लास की शीट लगा दी। ग्लास की शीट से क्या होगा, हीट अंदर की तरफ ही ट्रैप हो जाएगी और ट्रैप होने की वजह से ये फूड कुक हो जाएगा, ओके। सो इस तरह से हम सोलर कुकर को यूज करते हैं। नाउ सोलर कुकर की खास बात क्या है, सोलर कुकर इज अ पॉल्यूशन फ्री डिवाइस, ओके, इट्स अ पॉल्यूशन फ्री डिवाइस एंड इट यूजेज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब इसके खराब होने का तो कम ही सवाल उठता है कि ये खराब हो जाएगा, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, इसका डिमेरिट क्या है। इसका डिमेरिट ये है कि ये हर जगह आप यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूरोप में हैं, वहां पे विंटर सीजन्स में स्नोफॉल होता है, स्नो से ढका रहता है, कई दिनों तक सन का कोई आता पता नहीं होता, तो वहां पे सोलर कुकर तो आप यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि वो सोलर एनर्जी यूज करेगा। दूसरी चीज, अगर मैं ऐसी कंट्रीज की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में भी जब बारिश का सीजन होता है, जब रेनफॉल होता है, तब आप देखते हैं कि रेनफॉल के केस में सन नहीं दिखाई देता। तो सन नहीं दिखाई देगा तो ये सोलर कुकर किसी भी काम का नहीं होगा। नाउ दूसरी लिमिटेशन क्या है कि यह सोलर कुकर बहुत स्लो काम करता है, ये फटाफट खाना नहीं पकाता, इट टेक्स टाइम, इसको समय लगता है खाना बनाने में, ओके। चौथी चीज, इसमें आप हर तरह का खाना नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर अगर आपको यूज करना है, आपको किसी खाने को प्रेशराइज करना है, उबालना है, ओके, सो उस पर्पस के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज अ लिमिटेशन एंड दिस इज वेरी कॉस्टली। सोलर कुकर थोड़े से महंगे आते हैं, सो जनरली कॉस्टली होने की वजह से ही एक मैटर आता है कि इन्हें हम यूज नहीं कर पाते। अदरवाइज दीज आर द पॉल्यूशन फ्री एंड बेस्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ सोलर कुकर काम किस पे कर रहा है, सोलर कुकर काम कर रहा है सन की हीट पे। अगर सन से हीट अच्छे से आ रही है, सन की जो लाइट आ रही है सन से, उसमें हीट अच्छी है, तो ऑब्वियसली बात है सोलर कुकर काम भी अच्छा करेगा। अगर सन से आने वाली जो एनर्जी है वो सिर्फ लाइट के फॉर्म में आ रही है तो वह यहाँ पे किसी भी यूज की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है, ओके। आप इससे ट्यूबलाइट की मदद से इस पे लाइट डालें तो आप देखेंगे कि ये गर्म नहीं होगा, फूड आसानी से गर्म नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये यूज कर रहा है हीट एनर्जी को।
यह लाइट एनर्जी को यूज नहीं कर रहा। नाउ इसी तरह से सोलर हीटर भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सोलर हीटर इज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। सोलर हीटर क्या होता है? सोलर हीटर इज नथिंग बट अ सिंपल नेटवर्क ऑफ पाइप्स। पाइप्स का नेटवर्क होता है सोलर हीटर और कुछ भी नहीं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या करा, मैंने छत पे एक बॉक्स लिया, ओके, एक बहुत बड़ा, मेरी जो छत है, जो टेरेस है घर की, उसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा बॉक्स लिया। उस बॉक्स में मैंने एक तरफ से एक ऐसी पाइप इंसर्ट करी, इस पाइप को ऐसा सीधा ले गया, फिर यहां से टर्न करके ऐसा ले गया, फिर इस तरह से, देन यहां से वापस टर्न किया, फिर ऐसा ले गया, देन ऐसा, देन इट्स लाइक दिस एंड फिर दिस, और फिर यहां से ऐसा ले गया एंड फाइनली यहां से इसे बाहर निकाल लिया। एक बड़े सारे बॉक्स में आपने क्या करा, एक बॉक्स में आपने इस तरह से पाइप को बना दिया, और ये जो बॉक्स में पाइप रखी आपने, पाइप बनाया, ओके, दिस अरेंजमेंट इज पेंटेड ब्लैक। इसे हमने पूरी की पूरा ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, अंदर की जो पाइप है इसे भी और ऊपर से बॉक्स को भी पूरी तरह से इसे ब्लैक पेंट कर दिया। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो यह ऐसा दिखेगा, अगर हम इसे साइड से देखें तो यह आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यू विल फाइंड इट लाइक दिस। यहां से आपको एक ट्यूब अंदर जाती हुई दिखाई देगी और यहां से आपको एक ट्यूब बाहर आती हुई दिखाई देगी, कुछ इस तरह से। एक ऐसी ट्यूब अंदर जा रही है और एक ऐसी ट्यूब बाहर आ रही है, और यहां पे हम इस तरह से पानी को फ्लो कराएंगे, ऐसा, एंड लाइक दिस, एंड देन दिस, कुछ इस तरह से हम पानी को इसके अंदर फ्लो कराएंगे। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मैंने इस तरह के अरेंजमेंट को मेरी टेरेस पे रख दिया। अब जब मैं टेरेस पे रखूंगा तो सन की रेज इस पे इस तरह से फॉल होगी। जब सन की रेज फॉल होगी तो ये सिस्टम हीट होगा, ओके, इसको गर्मी मिलेगी, ये गर्म होगा, और गर्म होने से ये जो पानी इसके अंदर फ्लो हो रहा है ये पानी को भी गर्म कर देगा। दूसरी चीज, हमने इसे ब्लैक कलर का पेंट किया है। नाउ ब्लैक पेंट की ये खासियत होती है कि ब्लैक पेंट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। आप देखेंगे कि हमें कहा जाता है गर्मियों में आप व्हाइट कलर के कपड़े पहनो, लाइट कलर के कपड़े पहनो, और सर्दियों में आप डार्क कलर के कपड़े पहनो। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज गर्मियों में अगर आप डार्क कलर के क्लोथ्स पहनोगे तो ऑलरेडी गर्मी है, और दूसरी चीज, गर्मी जो आपका डार्क कलर का क्लोथ है वो भी गर्मी एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो गर्मी को एब्जॉर्ब करने लगेगा तो ऑब्वियसली बात है आप ज्यादा गर्म फील करो। और सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो जो भी एनर्जी है, जो भी हीट एनर्जी है सन से आने वाली, वह डार्क कलर का क्लोथ उस सन हीट को, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सन से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड यू विल फील कोजी, बिकॉज सर्दियों में हमें गर्मी की आवश्यकता होती है और गर्मियों में हमें ठंडी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप डार्क कलर के कपड़े अगर गर्मियों में पहनोगे सो यू विल फील मोर हीटेड, आपको और ज्यादा गर्मी फील होगी। इसलिए लाइट कलर जो होता है, लाइट कलर पहनने को इसलिए बोलते हैं बिकॉज लाइट कलर रिफ्लेक्ट्स लाइट, या लाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट, और डार्क कलर एब्जॉर्ब्स हीट। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि गर्मियों में आप लाइट कलर के कपड़े पहनिए और सर्दियों में आप डार्क कलर के कपड़े पहनिए, और इसलिए हमने यहां पे इसे ब्लैक कलर का पेंट किया बिकॉज ब्लैक कलर इज द बेस्ट एब्जॉर्बर, ये सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है। इस पे आने वाली लाइट को ऑलमोस्ट पूरी पूरी तरह से ये एब्जॉर्ब ही कर लेता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि अगर मैं इस सिस्टम को ब्लैक पेंट कर दूंगा तो सोचिए क्या होगा, ये जो सनलाइट इसके ऊपर गिर रही है ये सनलाइट पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसकी एनर्जी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी,
फिर जब मैं इसमें से पानी पास करूंगा, इसमें से पानी का ऐसा फ्लो बनाऊंगा, तो क्या होगा, इस सिस्टम की एनर्जी को पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी गर्म हो जाएगा। सो इन दिस वे हम सन की हीट एनर्जी को यूज कर सकते हैं इन द सोलर कुकर। नाउ ये जो ब्लैक पेंट हमने यहां पे किया, ये कॉन्सेप्ट हम यहां पे भी लगा सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। कैसे, कि अगर आप, आपका एम क्या है यहाँ पे, कि आप ज्यादा से ज्यादा हीट को ट्रैप कर सको, तो ट्रैप करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहां पे अंदर की सरफेस को भी ब्लैक पेंट कर, इस मेटल के अंदर की सरफेस को अगर आप ब्लैक पेंट करेंगे, सो यू विल फील कि यहां पे जो सनलाइट आ रही है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो ये ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा तो हमें हीट एनर्जी मिलेगी और उससे हम फूड को कुक कर सकते हैं। तो सेम चीज यहां पे है, सेम चीज यहां पे। तो ये दोनों डिवाइसेस काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट एनर्जी, सन से जो आने वाली लाइट है उसकी हीट एनर्जी का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम डिवाइस जो पढ़ेंगे दैट इज नोन एज सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर सेल बेसिकली यूजेस द लाइट एनर्जी ऑफ सन, सनलाइट की लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। सोलर एनर्जी या सोलर सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सनलाइट। सनलाइट की वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से सोलर सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब ये सोलर सेल, हमने कहा सेल वर्ड से आप समझ सकते हैं जो चीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। आप मोबाइल में सेल लगाते हैं, आप रिमोट कंट्रोल में सेल लगाते हैं, तो ये सेल वही वाली सेल है और कोई अलग सेल नहीं। बस मैकेनिज्म में डिफरेंस क्या है, जो आप घर में नॉर्मल पेंसिल सेल यूज करते हैं, दैट पेंसिल सेल कंटेन्स केमिकल। वह केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और यह सेल सोलर एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो इसका डिजाइन भी, इसका शेप भी ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। उसे आप धूप में रखेंगे, धूप में रखने से सोलर एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब होगी और वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। सोलर सेल प्रीवियसली जब बनते थे, बहुत पहले, आर मेड ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम एक सब्सटेंस होता है, सेलेनियम एक एलिमेंट है। सेलेनियम एलिमेंट से हम पहले सोलर सेल्स बनाते थे, लेकिन सेलेनियम की प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 0.7% है। 0.7% ही सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कितनी कम है ये एनर्जी। सिलेनियम अगर हम यूज करें, सबसे पहली चीज कि उसको बनाने का खर्चा, सिलेनियम से सोलर सेल बनाना इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। आपने इतनी कॉस्ट लगा के सोलर सेल बनाई, लेकिन वह सिर्फ इतनी एफिशिएंसी रखता है, मतलब जितनी भी लाइट एनर्जी उसके ऊपर गिर रही है, उस एनर्जी का सिर्फ 0.7% ही वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाता। तो यह एनर्जी तो किसी भी काम की नहीं है, किसी तरह से भी हमारे यूज की नहीं है, तो इसीलिए सिलेनियम का यूज बंद हो गया। और फिर उसके बाद नाउ वी यूज सिलिकॉन टू मेक सोलर सेल्स। सिलिकॉन क्यों यूज करा, बिकॉज सिलिकॉन से बने हुए सोलर सेल्स की एफिशिएंसी 25% होती है। तो कहां 0.7% और कहां 25%, आप देख सकते हैं कि सोलर सेल सबसे अच्छी फिर किसकी हुई, सिलिकॉन की। बाकी हमने हर तरह के एलिमेंट से सोलर सेल्स बनाने की कोशिश करी, लेकिन सबसे अच्छी एफिशिएंसी जो हमें मिलती है वह सिलिकॉन से ही मिलती है, एंड दैट इज 25%। मतलब टोटल एनर्जी जो उसके पास आएगी उसका 25% वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो आप पूछेंगे कि बाकी की एनर्जी कहां गई, हम कहेंगे बाकी की एनर्जी वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट बैक हो गई, उसने कुछ एब्जॉर्ब कर ली। ओके, उसने कुछ रिफ्लेक्ट कर दी और कुछ एब्जॉर्ब कर ली, दैट्स व्हाई।
सो सिलिकॉन से सबसे अच्छी सोलर सेल्स बनती हैं, और ये जो सेल बनती है ये एक सिंगल सेल हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। अगर हम इसे देखें तो कुछ इस तरह का डिजाइन इसका होता है। और इसके ऊपर कुछ इस तरह से सोलर एनर्जी फॉल होती है। ओके, इसमें हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना। इस तरह से सोलर एनर्जी फॉल होती है, और सोलर एनर्जी के फॉल होने से यह एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। अब वो कैसे कन्वर्ट होती है, दैट इज नॉट अवर कंसर्न। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि कैसे कन्वर्ट होती है, दैट यू विल स्टडी इन क्लास 12th। आप क्लास 12th में इस चीज को पढ़ेंगे कि ये कैसे कन्वर्जन होता है। जब आप एक फिनामिना को पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक तरह का फिनामिना होता है, उस फिनामिना के बेसिस पे आंसर करते हैं कि ये सोलर एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फॉर टाइम बिंग अपन जस्ट मान लेते हैं कि ये कन्वर्जन करता है। नाउ दिस सोलर सेल आर नॉट यूज सिंगल, इसे हम एक सिंगल यूज नहीं करते। व्हाई? बिकॉज ये सोलर सेल बहुत छोटे होते हैं, इट्स वेरी स्मॉल, लगभग इतने या इससे भी छोटे होते हैं। सो हम इसे यूज करने के लिए इसका एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सोलर सेल पैनल। सोलर सेल पैनल इज लाइक अ ग्रिड, एक बहुत बड़ी सारी ग्रिड होती है। इस ग्रिड पे बहुत सारे सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं। इस तरह से बहुत सारे सोलर सेल्स इस पे लगे हुए होते हैं, एंड दिस इज अ सोलर सेल पैनल। जब सनलाइट इस पैनल के ऊपर गिरती है तब ये सभी सोलर सेल्स उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से सोलर सेल हमें यूज हम कर सकते हैं। खास बात यह कि सोलर सेल आपने देखा कि ये क्या कर रहा है, इसे आप सिर्फ धूप में रख दीजिए और ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी दे देता है। तो आप ये सोचेंगे कि फिर हम कोल क्यों यूज कर रहे हैं, हम नेचुरल गैस क्यों यूज कर रहे हैं, हम एलपीजी क्यों यूज कर रहे हैं, हम ऑयल क्यों यूज कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये दिखने में बहुत अच्छा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इज दिस पैनल, ये जो हमने पैनल बनाया, दिस पैनल इज वेरी वेरी कॉस्टली, ये पैनल बहुत महंगा होता है। तो इसीलिए आप हर जगह से यूज नहीं कर सकते। आप चाहें कि आप अपने घर की छत पे इस तरह का एक पैनल लगवा लें और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और फिर घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करें तो बिजली का बिल कम हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज इसे यूज करना इज नॉट एन ईजी टास्क। इसे यूज करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है, वह लोग जो सोलर सेल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, उसे समझते हैं, दे कैन यूज दिस। लेकिन कॉमन पर्सन जो होते हैं वो डायरेक्टली इसे यूज नहीं कर सकते। नाउ ये जो सोलर पैनल हमने बनाया, दिस पैनल, पहली चीज तो ये बहुत कॉस्टली है, दूसरी चीज एक्सपर्ट ही यूज कर सकता है, तीसरी सबसे खास चीज, आप इसे हर वेदर में यूज नहीं कर सकते। रेनी वेदर में आप इसे यूज नहीं कर सकते। जब रेनी सीजन आएगा, जब रेनी रहेगा एटमॉस्फेयर, तब आप जानते हैं कि सन नहीं दिखता। तो सन नहीं दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे सनलाइट नहीं पड़ेगी। सनलाइट नहीं पड़ेगी तो हम इसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। सो ये इसकी खास लिमिटेशन है। और दूसरी लिमिटेशन कि ये हर रीजन में भी यूज नहीं हो सकता। आप कुछ जगहों पे यूज कर सकते हैं, कुछ जगहों पे नहीं। जैसे कि एंटार्क्टिक में आप चले जाएं तो वहां पे आप इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां सनलाइट इतनी होती ही नहीं। लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के पास वाले रीजन्स, उन रीजन्स पे आप इसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द लिमिटेशन। और अगर मैं इसके मेरिट्स बताऊं तो मेरिट्स में हम देखते हैं कि दिस इज पॉल्यूशन फ्री, सबसे पहली चीज। दिस इज पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन फ्री है, और यह रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को, एक्सक्यूज मी, दिस इज पॉल्यूशन फ्री एंड इट यूजेस द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यह सोलर एनर्जी को यूज कर रहा है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और सबसे बड़ी चीज उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए सोलर सेल्स अच्छे भी बहुत है, बट लिमिटेशन भी यही है
कि ये महंगे होते हैं और इन्हें इंस्टॉल करना भी बहुत कॉस्टली होता है. ओके, डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं किया जा सकता. सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस सोलर एनर्जी, यू कैन नोट दिस.